इस वीडियो में हम राठौड़ शासक मालदेव के हुमायूं के साथ संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, मालदेव ने 1582 ईस्वी तक जोधपुर के राज्य का भरपूर विस्तार किया था। फलोदी, नागौर, बीकानेर, मेड़ता, जागौर और सोजतवार इलाके तक उन्होंने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। इन इलाकों को मारवाड़ के राज्य में सम्मिलित कर दिया। इस विजय से राज्य का विस्तार तो हुआ मालदेव, परंतु यहाँ के जो उनके संबंधी जन थे, जो उनके परिवार जन जो सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे, शासक के रूप में कार्य कर रहे थे, वो उनके शत्रु बन गए। तो इस प्रकार से मालदेव विजेता के रूप में तो सफल रहा, परंतु खुद नीतिज्ञ और संगठनकर्ता के स्तर के ऊपर वो उतना कामयाब नहीं हुआ। बाद में उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान देश में एक और दूसरी घटना घटित होती है, दूसरे भाग में, क्या कि अफगान सेना नायक शेरशाह सूर ने मुगल बादशाह हुमायूं को पहले तो 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हराया और उसके बाद में 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हराया। इस वजह से हुमायूं अपना राज्य पुनः प्राप्ति के लिए दर बदर भटकने के लिए विवश हो गया और वह सिंध वाले इलाके में भक्कर नामक स्थान पर पहुंच गया। ऐसी स्थिति में मारवाड़ के शासक मालदेव ने एक दूत भेजा, किसके पास? हुमायूं के पास, भक्कर में। दूत ने प्रस्ताव रखा, किसके पास? हुमायूं के पास, कि मालदेव यानी मारवाड़ का शासक मालदेव उसको 20,000 सेना नायकों की मदद देगा अगर वह शेरशाह के विरुद्ध कोई भी युद्ध का अभियान करता है। तो अब मालदेव ने यह दूत क्यों भेजा, यानी हुमायूं को मदद देने का प्रस्ताव क्यों रखा, उसके पीछे कुछ कारण बताए गए हैं। ये सारे जो वृतांत हैं ये फारसी पुस्तकों के ऊपर से लिए गए हैं, फारसी पुस्तकों में ही इसका विवरण मिलता है। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का क्यों प्रस्ताव रखा, इसके पीछे 4-5 कारण हैं। उसमें जो सबसे प्रमुख जो कारण है, मारवाड़ की सर्वोच्चता की स्थापना। मारवाड़ की सर्वोच्चता की स्थापना, यानी मारवाड़ की सर्वोच्चता की स्थापना करना चाहता था कौन? मालदेव। वह चाहता था कि जिस प्रकार से मेवाड़ के शासक सांगा ने मेवाड़ के राज्य का विस्तार किया था, उसी तरह मारवाड़ के राज्य का भी विस्तार हो, उसका पराक्रम फैले। उसके बाद में वह शेरशाह के आकस्मिक उत्थान से भी काफी परेशान था और उसको शेरशाह से बड़ा डर था, इसको मालदेव को, तो वह शेरशाह की शक्ति का अंत करना चाहता था। शेरशाह की शक्ति का अंत, इन दूसरा जो कारक था जिसकी वजह से मालदेव ने हुमायूं को सहायता देने का प्रस्ताव रखा, वो था शेरशाह की शक्ति का अंत। यानी जैसे आपको पता है कि शेरशाह ने किस प्रकार से आकस्मिक तौर पर, यानी एक छोटे से जागीरदार के पुत्र से लेकर के हिंदुस्तान के बादशाह तक सम्राट बनने की जो यात्रा तय की एक अलग समय में, इससे मालदेव भयभीत था। उसको लगता था कि हुमायूं की बजाय शेरशाह से उसको ज्यादा खतरा है और भविष्य में कभी भी उसका राज्य का अंत शेरशाह कर सकता है, तो इस वजह से भी वह हुमायूं के द्वारा शेरशाह की शक्ति का अंत करना चाहता था। उसके बाद में तीसरा कारण है, शेरशाह द्वारा मालदेव के शत्रुओं को आश्रय देना। शेरशाह द्वारा मालदेव विरोधियों या विरोधियों को आश्रय देना, और वो विरोधी कौन है? मेड़ता का वीरमदेव, जिसको परास्त कर दिया था मालदेव ने और वह शेरशाह के पास चला गया था, और दूसरा था बीकानेर का कल्याण। यानी आपको पता है कि कल्याणमल के पिताजी जैतसी मालदेव के साथ लड़ते हुए मारे गए थे, तब कल्याणमल ने और मेड़ता के ब्रह्मदेव ने अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए शेरशाह का आश्रय लिया था, और भय था मालदेव को कहीं कि इन दोनों, यानी ये दोनों तो पहले जा ही चुके हैं,
और इस वजह से शेरशाह है आक्रमण कर सकता है मालदेव के ऊपर और इस उनका राज्य हो सकता है राज्य का अंत हो जाए या शेरशाह द्वारा वो परास्त हो जाए। उसके बाद में ये तीन कारणों के बाद में जो चौथा कारण है वो था हुमायूं को अधीनस्थ शासक के रूप में दिल्ली का बादशाह बनाना। यानी मालदेव काफी महत्वाकांक्षी प्रकृति का था और वह चाहता था कि शेरशाह को परास्त करके यानी खुद का शासक बनने का उतना ज्यादा उनका महत्वाकांक्षा नहीं थी दिल्ली का, बल्कि हुमायूं को शासक बना करके उसको अपने अधीनस्थ से योगी के रूप में वहां पर स्थापित करना था। इससे उनका प्रभाव का विस्तार भी होता और शेरशाह की शक्ति का भी अंत हो जाता। तो तीन चार कारण थे जिसकी वजह से मालदेव ने हुमायूं के पास 20,000 सैनिकों के रूप में मदद देने का आश्वासन दिया। परंतु हुमायूं उस समय भक्कर में ठहरा हुआ था, सिंध वाले इलाके में कांवड़ ठहरा हुआ था भक्कर में, और उन्होंने खट्टा जो वहीं पे है वहां के शासक शाह हुसैन की मदद लेने का निश्चय किया था। खट्टा के शासक शाह हुसैन की मदद लेने का निश्चय किया था। ये 1540 ईस्वी का घटना क्रम है, 1541 ईस्वी का, ठीक है। खट्टा के शासक शाह हुसैन की मदद से हुमायूं सोच रहा था कि वह पहले गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा और गुजरात से वह फिर आगे अभियान करके शेरशाह को परास्त कर देगा। परंतु उसके साथ साथ उसी दौरान हुमायूं ने उम्मीदा बानो बेगम से विवाह किया और उसके साथ भोगविलास में डूब गया। इससे उनके सहयोगियों की संख्या भी काफी कम पड़ गई और बाद में जब शाह हुसैन ने मदद देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया खट्टा के शासक ने, तब हुमायूं को मालदेव की याद आती है। ऐसे समय में हुमायूं मारवाड़ वाले इलाके की तरफ आता है, जैसलमेर होते हुए फलोदी आता है, फलोदी जोधपुर के पास में ही है। और फलोदी आने के बाद में यानी हुमायूं कहाँ आता है, फलोदी आता है, और फलोदी आने के बाद में उन्होंने अपने दूत अतक खां को मालदेव के पास भेजा और सहायता की प्रार्थना की। परंतु उस समय मालदेव ने सैनिक सहायता देने का निश्चय नहीं किया कि मैं सैनिक सहायता नहीं दे पाऊंगा, परंतु हुमायूं को बीकानेर का प्रज्ञा दे सकता हूँ, अगर वह शासन करना चाहे तो बीकानेर का प्रज्ञा मैं उसको दे दूंगा। तो अतक खां वापस लौट गया। अतक खां को हुमायूं का नहीं मालदेव का व्यवहार भी कुछ बदला लगा तो भी वह वापस चला गया। इसके साथ साथ उसमें मालदेव के जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे मुल्ला सुर्ख, उसने भी एक संदेश भिजवा दिया था हुमायूं के पास कि मालदेव की नीयत बदल गई है, हो सकता है वो आपको बंदी बना ले। इसी दौरान शेरशाह का एक दूत गया था मालदेव के पास कि अगर हुमायूं उसके राज्य में आए तो उसको बंदी बना लिया जाए। तो इस आधार के ऊपर जो फारसी ग्रंथकार हैं, लेखक हैं, जैसे अबुल फजल है, गुलबदन बेगम है, जोहर है, उन्होंने मालदेव के ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले प्रस्ताव दिया और बाद में मदद नहीं दी, तो विश्वासघात का आरोप लगाया। परंतु इसकी अगर विवेचना की जाए, विश्लेषण किया जाए, तो ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है। क्यों बेबुनियाद है? प्रथम वो बात है कि जब मालदेव ने 20,000 घुड़सवारों की मदद देने का वादा किया था, उसके बहुत समय बाद में हुमायूं ने उस प्रस्ताव की ओर ध्यान दिया। तब तक हुमायूं की स्वयं की शक्ति काफी घट गई थी, यानी हुमायूं की स्वयं की शक्ति का क्षीण हो जाना, हुमायूं की स्वयं की शक्ति क्षीण होना एक कारण यह था कि पहले तो उसके पास काफी बड़ी सेना थी और मालदेव ने यही सोचा था कि हुमायूं और उन दोनों की सेना आसानी से शेरशाह को परास्त कर देंगे, लेकिन इतने लंबे समय के बाद में स्वयं हुमायूं की स्वयं की शक्ति ही काफी क्षीण हो गई थी और ऐसी स्थिति में मालदेव ने अपना प्रस्ताव को पीछे खींच हट गया था। दूसरा कारण था शेरशाह है द्वारा सुदृढ़ शासन प्रबंध, यानी तब तक शेरशाह ने भी संपूर्ण उत्तरी भारत के मुगल इलाकों पर प्रभुत्व स्थापित करके
सुदृढ़ शासन प्रबंध की व्यवस्था कर दी थी। और ऐसी स्थिति में अगर मालदेव हुमायूं की मदद करता तो भी उनकी विजय की कोई गारंटी नहीं थी, सुनिश्चितता नहीं थी, आत्मघाती साबित हो सकता था मालदेव के लिए। अतः मालदेव ने हुमायूं की मदद देने का प्रस्ताव से पीछे हट गया। इस आधार पर जो फारसी वृत्तांतों में जो विश्वासघात का जो आरोप है मालदेव के ऊपर, वो ज़्यादा सटीक नहीं है, सही नहीं है। अगले वीडियो में हम देखते हैं राम मालदेव के शेरशाह के साथ संबंधों के बारे में।